वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस। तो क्या होता है इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस? नॉर्मल सी वे में अगर मैं बात करूँ तो इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस होता है कहीं पर भी हमारी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, और वहाँ पर इचिंग या घाव इस तरह की कंडीशन हो जाती है, उसे ही हम बोलते हैं इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस। यानी किसी भी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से इस जो इन्फ्लामेशन होती है स्किन के ऊपर, उसे ही हम बोलते हैं इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस। तो इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस पढ़ने से पहले एक बार हम अपनी त्वचा को देख लेते हैं कि हमारी त्वचा कैसी दिखाई देती है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका किस तरह से हमें दिखाई पड़ता है, ये कितनी लेयर्स होती हैं। तो ये हमारी त्वचा की स्ट्रक्चर है, और ये तीन भागों में, ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जहाँ से हमें जो हेयर्स है वो दिखाई पड़ते हैं, इसके ऊपर से हमें हेयर्स दिखाई पड़ते हैं, ये हेयर्स हैं। हमारी जो ऊपर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इपिडर्मिस, और फिर उसके बाद आती है डर्मिस लेयर। डर्मिस जो एक बीच की लेयर होती है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई और स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में है ये तो वेन होती है जो ब्लड को लेकर के जाती है, और रेड कलर से मैंने दर्शाई है आर्टरी को। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में नर्व है, ग्रीन कलर नर्व, और रेड कलर आर्टरी, और ब्लू कलर वेन। ये तीनों सप्लाई यहाँ पर डर्मिस के अंदर होती है, और डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड पाई जाती है जो स्वेट का सिक्रीशन करती है, यानी जो पसीने वाली ग्रंथि होती है वो पसीने को सिक्रीट करती है, उसी को हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। और वो कहाँ पर पाई जाती है? वो भी डर्मिस लेयर के अंदर पाई जाती है। तो ये है, ये मैंने जो ब्लैक कलर से शो की है, बनाई है, ये स्वेट ग्लैंड होती है, और ये इसके ये डक्ट के थ्रू कहाँ पर चली जाती है? स्किन से बाहर, यानी इपिडर्मिस जो स्किन होती है वहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू बाहर निकलती है ये डक्ट, और उनके थ्रू क्या होता है, पसीना बॉडी से बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे देखा होगा आपने गर्मियों में जब कोई काम करता है या बैठा रहता है तो पसीना उसे आने लगता है। वो क्यों आने लगता है? क्योंकि जो है पसीना इसलिए आता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, और जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर सिक्रीट हो जाए। वो गर्मियों में होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके, इसलिए पसीना आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है, और ये बाहर निकल जाता है डक्ट के थ्रू। इसे हम क्या बोलते हैं? स्वेट पोर बोलते हैं। ये पोर है जिसके थ्रू पसीना बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है जो स्किन पे दिखाई देने लगता है। फिर हम आते हैं उसके नीचे की तरफ, कौन सी लेयर पाई जाती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यह सबसे इनर लेयर बोलते हैं, या इनर लेयर होती है स्किन की, यानी जो ये है स्किन है, स्किन की सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है उसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस में फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, फैटी टिश्यू जिसे हम एक लेयर का नाम देते हैं सबकुटेनियस लेयर। सबकुटेनियस लेयर के अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं जो एक फैट होता है, सभी को पता है एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, फैट होता है। तो वो कौन सी लेयर में? सबकुटेनियस लेयर में पाए जाते हैं। फिर ये देख रहे हैं आप हेयर, हेयर की जड़ एक तरह से, इसे हम बोलते हैं हेयर बल्ब, हेयर बल्ब बोलते हैं। और फिर ये सबसे नीचे की तरफ रेड से मैंने शो किया, ये होती है मसल्स, और मसल्स के भी अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? बोन दिखती है। यानी नॉर्मल से वे में हम बात करें तो ये स्किन है, स्किन की ऊपर की लेयर है, ये अपर लेयर बोलते हैं या इपिडर्मिस बोलते हैं इसे। इपिडर्मिस जो हेयर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इपिडर्मिस है। इसके अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें डर्मिस दिखाई देगी जहाँ पर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी, और स्वेट ग्लैंड। फिर उसके अंदर जाएंगे हमें
हाइपोडर्मिस, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उसके भी अंदर जाएंगे तो हमें एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यू देखने को मिलेंगे और मसल्स देखने को मिलेगी, और उसके भी अंदर जाएंगे तो हमारी बोन आ जाएगी। ये है हाथ, है हाथ की बोन दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारी नॉर्मल त्वचा थी, नॉर्मल एनाटॉमी थी, स्ट्रक्चर थी स्किन या फिर त्वचा की। अब हम देखते हैं इन्फेक्शन डर्माटाइटिस क्या होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डर्माटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। जो डर्माटाइटिस होता है वो इन्फ्लामेशन होता है किसका, स्किन का। दिस अकर्स बाई इन्फेक्शन। अजय, ये इन्फेक्शन जो होता है वो किसी भी इन्फेक्शन से हो जाए, यानी इन्फ्लामेशन जो होता है वो किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाए। हमारी स्किन पर इन्फ्लामेशन होती है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन डर्माटाइटिस। ये नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर देखने से पहले हम बात करेंगे कि क्यों, मतलब ये जो कंडीशन है देखने को मिलती है स्किन वो इन्फेक्शन डर्माटाइटिस। जैसे पुअर सैनिटेशन हो, या कोई भी व्यक्ति गंदगी में बैठा हो, तब उसे कोई भी वायरस वहाँ से आ सकता है, या फिर कोई भी जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो उसके त्वचा पर लग करके आ सकता है, जहाँ पर भी गंदगी है या फिर कहीं पुअर सैनिटेशन है। जैसे बहुत से देखा होगा आपने गाँव में क्या होता है, लोटा लेकर के चले गए और वहाँ से इन्फेक्शन लेकर के आ गए, सुबह के टाइम आपने देखा होगा। तो वही है यहाँ पर कि इन जगहों से क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, इस तरह का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारी स्किन पर लग करके आ जाता है और वो क्या करता है, इन्फेक्शन डर्माटाइटिस कर देता है। तो अब हम देखते हैं जो रिस्क फैक्टर क्या है, कि किन किन कारणों की वजह से हमें ये देखने को मिल सकती है ये वाली कंडीशन, इन्फेक्शन डर्माटाइटिस। जैसे बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इम्पिटिगो, इम्पिटिगो आपने देखा होगा, ये बच्चों में होता है मेनली। जैसे मुंह के किनारे पे जो यहाँ पर वे छाले से हो जाते हैं, सोर्स टाइप में हो जाते हैं, बच्चों के होते हैं अक्सर। ये बीमारी है बच्चों में देखने को मिलती है इस तरह की, जो मुंह के आसपास वे छाले से हो जाते हैं, यहाँ पर हो गया या यहाँ पर हो गया, बच्चों में देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं इम्पिटिगो। फिर होता है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस होता है यानी जो कनेक्टिव, एक तरह से इसे बोल सकते हैं कि स्किन का जो है इन्फ्लामेशन हो जाना, या फिर कनेक्टिव टिश्यू में या फिर सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे हम बोलते हैं सेलुलाइटिस। एक होता है फोलिकुलाइटिस। फोलिकुलाइटिस, फोलिकुलाइटिस क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं हमारे, हेयर्स के जो जड़ होती है, जो हमें जड़ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ये जो जड़ होती है इसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे ही हम बोलते हैं फोलिकुलाइटिस। और किसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, वायरल यानी वायरस की वजह से देखने को मिल सकता है, आरएनए, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस की वजह से हमें ये इन्फेक्शन डर्माटाइटिस देखने को मिल सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमें देखने को मिल सकता है, या कोई भी पैरासाइटिक एजेंट है। जैसे कुछ तो होते हैं काटने वाले, बाइट्स वाले, बाइट्स, और कुछ होते हैं स्टिंग्स, स्टिंग्स और बाइट्स की ने बोलते हैं इंसेक्ट, जो हमें हमारी जो स्किन होती है उसे पंचर करके उसमें जैसे ब्लड है हो गया तो उसे सक करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने न्यूट्रेंट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इंसेक्ट, वो स्टिंग्स। और बाइट्स किसे बोलते हैं, जो मतलब अपने एक तरह से बचाव के लिए कोई पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर छोड़ना, जैसे मधुमक्खी होगी और वो मुंह के अलावा कहाँ से, जो उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, उसमें डक मारती है, डक वो एक उसके अंदर पॉइजन होता है जो हमारी जो त्वचा को स्वेल अप कर देता है, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो किसकी वजह से हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या पैरासाइट की वजह से ये देखने को मिल सकता है। अब हमने बात कर ली कि किन की वजह से हमें जो इन्फेक्शन डर्माटाइटिस देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे, अगर इन्फेक्शन ये डिजीज़ हो गई तो हमें क्या क्या, किसी भी
आम आदमी को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या उसके क्या क्या सिम्टम वो फील करेगा, क्या फील करेगा अगर ये सिचुएशन उसके साथ हो गई, इन्फेक्शन हो गया स्किन का, तो क्या फील करेगा? रेडनेस, रेडनेस हो जाएगी कहीं पर भी, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा जैसा जल गया, जलन सी महसूस होगी उस जगह पर, और इचिंग होगी, खुजली होगी, बहुत तेज तेज खुजाएगा, येलो क्रस्ट यानी पीला पीला सा वहाँ उस स्किन पर बन जाएगा, यानी पीला पीला सा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग, स्वेलिंग हो ही जाएगी अगर किसी इंसेक्ट ने काटा है या खुजाने से या कुछ भी कंडीशन हो गई है तो स्वेलिंग हो सकती है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्लिस्टर क्या होता है? यानी एक तरह से बबल्स होते हैं, जैसे फ्लूड फील्ड स्वेलिंग, फ्लूड फील्ड स्वेलिंग, जैसे आपने देखा होगा किसी का हाथ जल जाता है तो उसमें क्या होता है, एक बबल्स तब बनता है और उसके अंदर फ्लूड जो है वो भरा हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लिस्टर। ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है, पेन होगा उस जगह पर, पेन होगा, पेन देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पता करेंगे कि इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस है, तो पहले तो उसकी हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे जिस भी पेशेंट को ये समस्या है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, सीबीसी करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो सीबीसी करेंगे इसमें, एलर्जी स्किन टेस्ट करेंगे इसमें, ये हम इनसे पता कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस हो गया है। तो अब हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में हम क्या क्या देंगे? मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, एंटी फंगल ड्रग देंगे अगर फंगस की वजह से हो रहा है, और एंटीवायरल देंगे अगर वायरस की वजह से हो रहा है, एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन वो ड्रग्स होती है जो, हिस्टामिन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिनसे हमें पेन या इस बर्निंग सेंसेशन जो हमें महसूस होती है वो हिस्टामिन की वजह से होती है, तो इसी को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन, जिससे इन्फ्लामेशन ना हो। कोर्टिकोस्टीरोइड क्रीम देंगे हम लोशन लगाने के लिए, जो क्रीम है वो कोर्टिकोस्टीरोइड देंगे, जैसा आपने देखा है जो कोर्टिकोस्टीरोइड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने, मैंने जो नॉर्मली कुछ बहुत सारी फीमेल्स को देखा है, बी एक ट्यूब आती है एन करके नाम है उसका, तो उसमें कौन सा कोर्टिको स्टीरोइड, स्टीरोइड होता है उसके अंदर, बीटा मेथासोन साल्ट होता है, वो ट्यूब हरी सी आती, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है कोई भी लेडी या कोई भी फीमेल, तो वहाँ उसकी हैबिट्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टीरोइड होता है और वो उसकी जो स्किन होती है उसे एक तरह से बिल्कुल खराब कर देती है, और की जो फीमेल है वो आदी हो जाती है उस क्रीम की। फिर हम देखते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि ड्राई स्किन हो रही है तो ड्राई स्किन में हम क्या देंगे, मॉइस्चराइजर देंगे ताकि उसकी स्किन जो है वो ड्राई ना रहे। और हम इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा जिसे हम रेड आई बोलते हैं, और ब्ले फेराइटिस देखने को मिलेगा यानी जो आईलिड होती है उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, या फिर कंजक्टाइवा जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। तो ये स्किन का आज डर्मेटाइटिस है, इन्फेक्शन डर्मेटाइटिस, इसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाना स्किन के अंदर। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ज़्यादा भी मात्रा में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी आई है कि ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, तो हमें नॉर्मल वे में नॉर्मल से ज़्यादा पानी को पीना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो हेल्दी हो सके, शाइनी हो सके। और हमें स्किन को हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे जो भी फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी ए, इस तरह की जो विटामिन है जो
हमारी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, तो हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें वाटर का या फ्लूड का इंटेक करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो शाइनी दिख सके और मॉइस्ट हो सके, वो सूखी ना रहे, ड्राई स्किन ना हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो हमें जो भी डाउट है वो आपका, तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।